मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक बहुत ही अच्छे शिक्षित चिकित्सक यानी डॉक्टर की कुंडली पर, जिसमें बहुत अच्छे योग हैं और उनका भाग्य उदय भी विदेश में हुआ और वो उन्होंने विदेश में अपना घर भी बना लिया और व्यवसाय भी विदेश में ही है। जब कभी मौका होता है तो अपने देश में आते हैं। दर्शकों, उसमें हम विचार करेंगे पंचमेश और दशमेश। ये पंचम भाव है, कुंडली कोई भी होने दो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की कुंडली होने दो, ये पंचम भाव है, ये दशम भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है और दशम भाव व्यवसाय में सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव है। अगर पंचमेश और दशमेश की युति हो, राज कार्यों में कुशल या बुद्धि योग द्वारा, उसका व्यवसाय बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है और दशम भाव कर्म भाव का है, सम्मान प्राप्ति का भाव का है। दूसरा, हम एक योग इसमें विचार करेंगे चतुर्थ और नवमेश, भाग्य उदय से सुखी। क्यों? चतुर्थ भाव सुख का भाव है और नवमेश भाग्य भाव है, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव माता भूमि का भाव है, सुख का भाव है और ये नवम भाव, ये भाग्य। अगर केंद्र त्रिकोण हो जाते हैं, ये भी केंद्र त्रिकोण हो जाता है, ये भी केंद्र त्रिकोण हो जाता है, ये भी राजयोग बनता है। तो इनकी भी युति कहां पर और कैसे बनती है, वो एक अच्छा सुख दिलाती है, भाग उसका अच्छा भाग उदय होता है और वो सुखी होता है। अगला है लग्नेश और पंचमेश। लग्नेश, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, किसी भी कुंडली में लगन और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करता है। अगर आपकी कुंडली है किसी भी लगन की है, यहां पर मान लिया कोई भी लगन है, तो वह आपका प्रतिनिधि करेगा और पंचम भाव बुद्धि का प्रतिनिधि करेगा। तो जब लग्नेश और पंचमेश दोनों आपस में मिलेंगे तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान भी होगा। अगला है लग्नेश और सप्तमेश। ये लगन का भाव है, ये सप्तम का भाव है। जैसा बताया कि लगन का भाव स्वयं का प्रतिनिधि है और सप्तम भाव हमारा व्यापार रोजगार और खास तौर से जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है। अगर लग्नेश और सप्तमेश की युति हो तो कुछ भी होने दो, उनकी परस्पर प्रेम होता है और अच्छी पत्नी सुख मिलता है। उसके बाद हम विचार करेंगे कि यह जातक चिकित्सक क्यों बना, क्या ग्रह योग था उसको जो चिकित्सक बनने में योगदान दिया। सूर्य और शनि की युति हो, और भी कई योग हैं जो अलग अलग कुंडली आती है, हम बताते हैं। इस कुंडली में सूर्य और शनि की युति है और अष्टमेश गुरु का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव है। गुरु अष्टमेश भी है और काल पुरुष की कुंडली में गुरु द्वादश भाव मीन राशि का स्वामी है, मीन राशि हॉस्पिटल का कारक है। तो ये योग उसको अच्छा चिकित्सक बनने में सहायक बने। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है इन योगों में। जातक का जन्म 23 अप्रैल 1970 कृष्ण पक्ष 2 को हुआ। जन्म के समय पर विशाखा नक्षत्र 2 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन 4 डिग्री लेकर के उदय हुआ। लगन में मंगल 9 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर लग्नेश शुक्र 0-0 42 डिग्री लेकर विराजमान है। लगन के अंश 4 डिग्री है और शुक्र के 0-0 42 है। माना कि उस भाव में तो कमजोर रहेगा, लेकिन है तो लगन में कुंडली यानी अंशों को देख करके कोई कम नहीं है, क्योंकि तो ये इस भाव के अंश है। बाकी शोर मंडल में तो वो पूर्व बलि है, तो लग्नेश की ये अंश रही। चतुर्थ भाव में केतु कन्या राशि में है, 15 डिग्री विराजमान है। छठे भाव में गुरु 7 डिग्री लेकर विराजमान है तुला राशि में और चंद्रमा 26 लेकर के विराजमान है तुला राशि में है। दशम भाव में राहु कुंभ राशि में 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में बुध 27 डिग्री लेकर के विराजमान है, शनि 17 डिग्री लेकर के विराजमान है
और सूर्य 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य उच्च राशि में है, सूर्य यहां पर उच्च राशि में है और शनि नीच राशि में है, तो शनि का नीचत्व तो भंग अपने आप ही हो गया जब साथ में सूर्य बन गया। स्थिति के मुताबिक सूर्य शनि के 17 अंश है, अस्त है और सूर्य के 9 है, लेकिन शनि सूर्य की युति है, यहां पर बुध भी साथ में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। आज का विषय है उच्च शिक्षित चिकित्सक, प्रेम विवाह, विद्वान और बुद्धिमान, योग पत्नी, भाग्योदय विदेश में। तो इस जातक ने चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त की, बुद्धिमान भी है और विदेश में भी है। इन्हीं विचारों पर हम विचार करेंगे। दर्शकों, वृषभ लगन वाले जातक सुंदर तो होते ही हैं और उसमें शुक्र भी विराजमान है। सुंदर के साथ साथ शुक्र सुंदरता का कारक ग्रह है। सुगठित शरीर होगा, आत्मविश्वासी होगा, क्रम प्रधान होगा, उसकी सुंदर आंखें, मनमोहन शरीर होगा, सुंदरता में सबको वो पीछे छोड़ देगा। नित नई खोज करने वाले होंगे, थोड़ा अड़ियल स्वभाव होगा, तेजस्वी होगा, परंतु शुक्र कृतिका नक्षत्र में है यहां पर, और शुक्र छठे भाव का स्वामी है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। शुक्र लग्नेश के साथ योगेश भी है और कृतिका नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में है। नेत्र रोग होंगे, मुख से संबंधित, गर्भ से संबंधित आदि कई किस्म के रोग हो सकते हैं। साधारण तौर पर लग्नेश जब लगन में होता है तो निरोग बनता है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी विषम स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि वह रोगेश भी है तो अपना प्रभाव भी देगा। आंखों से संबंधित, मुंह गर्दन आदि से संबंधित रोग भी होगा। मान सम्मान अच्छा मिलेगा, लग्नेश कमजोर है, तो ऐसे आदमी को लग्न का रत्न धारण करना चाहिए, बलवान हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में उच्च राशि में सूर्य है। कठिन परिश्रम करेगा, खर्चा अधिक करेगा, परंतु द्वादश भाव विदेश का भाव है, बाहरी से संबंध अच्छा होगा, माता का सुख कम मिलता है, विदेश में घर बनता है। क्यों? चतुर्थ भाव घर का भी भाव है और घर के स्वामी विदेश में बैठ गया तो उसका घर विदेश में बनता है, बाहर से उसको अच्छी मिलता है और बाहर से अच्छा उसको सम्मान मिलता है। सप्तम दृष्टि से रोग शत्रु उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। छोटे मोटे रोग हमेशा ही होते रहेंगे क्योंकि छठा भाव रोग का है और भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा, नेत्र रोगी होगा। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा भी अधिक होगा। अब बात करते हैं मंगल की। दोस्तों, मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और वृषभ लगन के लिए मंगल जो है अकारक माना जाता है। मंगल अकारक माना जाता है वृषभ लगन के लिए क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का भी स्वामी है, मारक बन जाता है। किसी ना किसी प्रकार का मानसिक तनाव, क्योंकि मंगल यहां पर रहेगा, मानसिक तनाव होगा। भारी स्थानों से अच्छे संबंध भी होंगे और रक्त विकार भी हो सकता है, क्यों? भारी स्थान का भी स्वामी मेष राशि का स्वामी है, रक्त विकार, बीपी आदि ये सारी चीजें हो सकती हैं। मंगल चतुर्दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो माता के सुख में, मकान के सुख में परेशानी देगा, क्यों? द्वादश भाव का स्वामी है, परेशानी देगा। अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, पति के साथ अच्छा मधुर व्यवहार होगा और रोजगार में अच्छी बात होगी। अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कष्ट तो होंगे। ऐसे जातक का जन्म 26-27 साल में प्रेम विवाह हो गया क्योंकि मंगल भी है, शुक्र भी यहां पर है, प्रेम विवाह हो गया। प्रेम विवाह यानी लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश और सप्तमेश अच्छी पत्नी मिली और परस्पर प्यार और प्रेम विवाह हो गया। लग्नेश और सप्तमेश से उसका परस्पर प्यार हो गया और ऐसे जातक ने प्रेम विवाह कर लिया। अब बात करते हैं बुध की।
बुध पंचमेश भी है और दित्य भाव का स्वामी, कुटुंब धन का भाव का स्वामी है और पंचमेश द्वादश भाव में है। ऐसा जातक शिक्षा के लिए बाहर चला गया, बाहर से शिक्षा की, धन का खर्च अधिक करने वाला, मित्रों से धोखा भी, खर्च पर नियंत्रण नहीं, झगड़ालू भी थोड़े किस्म का ऐसा रहा। और बुध अपने सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, थोड़ा सा झगड़ा करेगा, क्यों? ये रोग शत्रु का भाव है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कुंडली में आमदनी के भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, आयस और अश्मेश है और छठे भाव में है। स्वास्थ्य के मामले में दुर्भाग्यशाली होगा, ऐसे बालक का स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर होगा। पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में झंझट होंगे, पिता का सुख नहीं मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक होगा। और गुरु उच्च के सूर्य को देख रहा है, सम्मान की अधिकता होगी, सम्मान में कोई कमी का नहीं बनेगी। नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, कुटुंब और धन का सुख नहीं मिलेगा, धन का खर्चा अधिक करेगा। शनि की बात करें, शनि भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। और शनि अपनी मेष राशि में नीच राशि में द्वादश भाव में है। शनि का नीचत्व तो खत्म हो गया, उसका नीचत्व का तो वर्णन ही बात खत्म कर दूं। तो ऐसे जातक का भाग्य विदेश में होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी शनि विदेश में है, कर्म का स्वामी विदेश में है, उसको कर्म का स्थान बाहर होगा। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, धन का खर्चा अधिक होगा। उच्च दृष्टि से शनि छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रुओं पर काबू पाएगा। और दशम दृष्टि से शनि अपने भाव को देख रहा है, नवम भाव को, भाग्य की उन्नति करेगा और भाग्य विदेश में उदय होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दशम भाव में है, व्यवसाय में झंझट भी होंगे, पंचम दृष्टि धन भाव पर है, धन और कुटुंब का साथ नहीं होगा, खर्चा अधिक होगा, धन की हानि होगी। सप्तम दृष्टि से यहां पर शत्रु राशि को देख रहा है, दुर्घटनाएं अचानक होंगी और जन्मभूमि का उसको सुख नहीं मिलेगा। नवम दृष्टि से राहु यहां पर शत्रुओं का शमन करने वाला होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु चतुर्थ स्थान में है, जन्मभूमि से विवोक करना पड़ेगा, विवोक करना पड़ेगा। ऐसे जातक का जन्मभूमि से विवेक हो जाएगा, सुख की हानि होगी, मां का स्वास्थ्य कमजोर होगा, कष्ट होगा। अष्टम दृष्टि से देख रहा है तो कष्ट भी होगा, रोग भी होगा। और सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव आएगा। और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है केतु, केतु से सूर्य पीड़ित हो रहा है। ये ग्रहों का मैंने बताया। अब योगों की बात करें, कुंडली में पंचमेश और दशमेश, पंचमेश और दशमेश, पंचम भाव का स्वामी बुध और दशम भाव का स्वामी शनि, पंचम भाव का स्वामी बुध और दशम भाव का स्वामी दोनों शनि और बुध की द्वादश भाव में युति है। तो ऐसे जातक ने शिक्षा भी बाहर ग्रहण की और राजकार्य में और उसका अच्छा व्यवसाय विदेश में चल रहा है, चिकित्सक है उसका अच्छा छोटा हॉस्पिटल बढ़िया अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरा चतुर्थ और नवमेश, चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये पंचमेश और दशमेश ये भी केंद्र त्रिकोण के थे, राजयोग था। और चतुर्थ और नवमेश ये भी केंद्र त्रिकोण है, राजयोग है। चतुर्थ और नवमेश भाग्य उदय से सुखी होगा, परंतु चतुर्थ और नवमेश दोनों कहां है? विदेश में है, दोनों का विदेश में है और भाग्य विदेश में होगा, घर बाहर बनेगा। अगला है लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश और पंचमेश विद्वान और बुद्धिमान, लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश शुक्र है और पंचमेश बुध है। शुक्र की 0042 से बुध के 27 डिग्री है, 3-4 डिग्री का फर्क है। तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। ये लाइनिंग तो हमारी काल्पनिक है दर्शकों, ऊपर लाइनिंग थोड़ी है सौर मंडल में,
तो बुध से बुध और शुक्र की दूरी कितनी डिग्री की है? 3 डिग्री की है। तो ऐसा जातक बुद्धवान भी होगा क्यों? पंचमेश और लग्नेश की युति बन रही है। आगे बात करें लग्नेश सप्तमेश। लग्नेश सप्तमेश मैंने बता दिया मंगल और शुक्र हैं, लगन में बैठे हैं, प्रेम विवाह का योग बनता है, अच्छी पत्नी का योग बनता है, अच्छी पत्नी भी मिली है। उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में जाने का योग क्या है? योग तो कई होते हैं दर्शकों, लेकिन एक ये भी योग है कि शनि अष्टम भाव का कारक है और सूर्य आरोग्यता का कारक है, दोनों की युति, और उसके ऊपर गुरु का प्रभाव, गुरु अष्टमेश भी है और काल पुरुष कुंडली में गुरु मीन राशि का समय, मीन राशि हॉस्पिटल की है तो उसका कार्य क्षेत्र हॉस्पिटल होगा, और चंद्रमा का भी प्रभाव, और चंद्रमा जड़ी बूटी का कारक है। जातक एक कुशल चिकित्सक बना और अच्छा वंशा रेस में चला रहा है। जातक की शनि की महादशा 20/11/78 से 20/11/97 तक थी, उसमें जब गुरु की अंतरदशा आई 9/5/95 से 20/11/97 तक और उसका 96 में शादी हो गई। केतु की महादशा 20/11/2014 से 20/11/21 तक रही। केतु क्योंकि सूर्य को पीड़ित कर रहा है, यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है और गुरु की पंचम, गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर और गुरु पर भी है। केतु ने सूर्य को पीड़ित किया और राहु ने नवम दृष्टि से गुरु को पीड़ित किया, चंद्रमा को पीड़ित किया, और शनि सूर्य का जब दोनों साथ में है तो थोड़ा सा विषयोग, थोड़ा सा उग्र स्वभाव तो बनेगा ही। केंद्र में राहु केतु है, काल सब योग बन गया। तो इस जातक ने हमारे से संपर्क किया केतु की महादशा में, काफी दिन हो गए। उस टाइम पर इसका पितृदोष की पूजा की गई, राहु गुरु को पीट रहा है इसकी पूजा की गई, राहु चंद्रमा को पीट रहा है इसकी पूजा गई, और केतु का प्रभाव सूर्य पर, ये करने के बाद जातक की राह आसान हुई। दोस्तों ग्रह कोई भी है अपने जब उसका समय आएगा जब पीड़ित करेगा, और ऐसा तो हर एक कुंडली में ही है, कोई भी सम्मान व्यक्ति हो उसको भी पीड़ तो रहती है, उसको भी परेशानियां तो रहती हैं। अच्छा योग भाग्योदय उसका विदेश में हुआ, चिकित्सक बना, और ये 4-5 मैंने योग आपको बता दिए सारे, पंचमेश दशमेश चतुर्थ नवमेश लग्नेश पंचमेश लग्नेश सप्तमेश चिकित्सा फील्ड में कैसे गया, लेकिन अशुभ योग भी तो साथ साथ में होते हैं, उनके लिए कोई दूसरी कुंडली में थोड़ी जाएगा। तो ये अशुभ योग क्योंकि जब उसका सूर्य पीड़ित होने लगा तो केतु की दशा में सारा सब कुछ आ गया, काल सब दोष की शांति गई, पितृदोष शांति किया गया, और राहु जो गुरु को पीट रहा था उसकी शांति गई, राहु चंद्रमा को पीट रहा था शांति गई, और केतु सूर्य पीड़ित की शांति गई, और जातक को काफी कुछ फायदा हुआ। दर्शकों मैं कई बार बताता हूं कि अगर मकान अच्छा है तो उसमें कुछ लिपस्टिक लगाने से उस सुंदरता बन जाएगी, क्यों ग्रह का योग ऐसा है कि इसमें 4-5 योग केंद्र त्रिकोण बन रहे हैं, ग्रह का योग ऐसा है कि भाग्य का स्वामी कर्म का स्वामी बाहर बैठा हुआ है और बुद्धि का स्वामी शिक्षा का स्वामी बाहर बैठा हुआ है, तो जरूरी बात है बाहर होगा, और चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी है और लग्नेश को भी देख रहा है, तीर्थ भाव का स्वामी लग्नेश को भी देख रहा है, क्योंकि 26 डिग्री पर चंद्रमा है और शुक्र की 42 इंच है, तो यहां पर पड़ेगी बुध और बीच में बुध के ऊपर इनका भी पर दिख रहा है, अच्छा एक विदेश योग में और अच्छा नाम कमा रहा है। आज मैंने एक विद्वान डॉक्टर जिसका कि उच्च शिक्षित है, चिकित्सक है, प्रेम विवाह हुआ, प्रेम विवाह कैसे हुआ वो भी बताया, विद्वान बुद्धिमान का कुंडली में योग बताया, योग पत्नी भी बताया, भाग्योदय विदेश में वो भी बताया, और अच्छे उन्नति पर अग्रसर है। मैंने शास्त्रों के हिसाब से अपने ज्ञान के हिसाब से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि इस कुंडली से आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि मेरा वीडियो आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी देखे उसका भी मार्गदर्शन हो। आपको मालूम है मैं हमेशा वीडियो बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्प दोष पितृ दोष की पूजा की जाती है, जरूरत है वो संपर्क कर सकता है।
ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, एकदम सार निचोड़ देता है और राह आसान कर देता है, जरूरत है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान वर्कशॉप करके आपकी राह आसान करता है, जरूरत है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपके जो मुझे व्हाट्सएप द्वारा या टेलीफोन से जो आप तारीख के लिए आप प्रश्न पूछते हैं उनका भी विश्लेषण साथ साथ करता है, जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने की, अवश्य आपका भी नंबर आएगा। दर्शकों आज मैंने जो वीडियो के आपके सामने विश्लेषण किया, अगर आप समझते हो कि अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी, ताकि वो भी उनका भी अपना मार्गदर्शन हो। दर्शकों फिर कहूंगा, अच्छा लगा है शेयर करें, लाइक करें, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल तो नया है, जब चैनल की ग्रोथ होगी तो आप लोगों के सामने मैं इसी प्रकार से वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और मेरा भी मन जो प्रफुल्लित होगा, मेरा भी मनोबल ऊपर उठेगा। धन्यवाद।